नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की, कि पुत्रदा एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है और पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है। तो जी, जो पुत्रदा एकादशी है वो 13 जनवरी 2022 को मनाई जाएगी। साल की ये पहली एकादशी है, जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से साल की पहली एकादशी है। तो जी, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जो पुत्रदा एकादशी है, साल में 2 बार आती है, एक बार आती है सावन में और एक बार आती है पौष मास में। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के संतान नहीं है, अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो कहते हैं कि संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति तो होती ही होती है। दूसरा, आपकी संतान के भाग्य में वृद्धि होती है, सुखी रहती है, शांति रहती है उनके मन में, और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है अगर हम अपने बच्चों के लिए एकादशी का व्रत करते हैं तो। और ये तो आप सभी को पता ही है कि जो एकादशी का व्रत है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और सभी व्रतों में एकादशी का जो व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी होगी, भगवान वहाँ जो नारायण भगवान है, भगवान श्री हरि विष्णु है, वो होते हैं। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती ही होती है। तो माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा अर्चना है, बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। तो जो लोग संतान के इच्छुक हैं, तो एकादशी के दिन गोपाल संतान मंत्र होता है, जैसे गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। तो चलिए थोड़ी सी हम पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि है वो क्या होगी। तो वैसे तो सभी एकादशियों की जो पूजा विधि है वो एक ही होती है, हाँ, लेकिन जो कथाएं हैं वो अलग अलग होती है। तो चलिए पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जो व्रत है दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएगा। कोशिश करें दशमी तिथि को सुबह के समय ही भोजन करें, संध्या के समय भोजन ना करें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो संध्या को भोजन कर सकते हैं, लेकिन दिन ढलने से पहले भोजन कर लें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। खिचड़ी और चावल का सेवन ना करें, अगर हो सके तो दूध और फल ही लें, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। दशमी तिथि को रात को भजन करें, थोड़ा सा कीर्तन करें, नहीं तो आज जैसे बिस्तर पर सोने जाते हैं तभी मन ही मन में दो भजन गा लें या मंदिर के आगे भजन गा लें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आ जाती है एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि जैसा कि अभी बताया 13 जनवरी को है, तो 13 जनवरी की सुबह एकादशी के दिन जल्दी उठे, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, जहाँ पूजा करनी है अच्छे से साफ सफाई करें मंदिर की, और गंगा जल जरूर छिड़कें। और एकादशी तिथि के दिन ही आप अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा होता है उस पर भी अच्छे से सफाई करें, और गंगा जल का छींटा वहाँ भी जरूर मारें। फिर आप चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, जैसे डेली आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, शालिग्राम जी की या बाल गोपाल है, इन सब की पूरे विधि विधान के साथ आप करें पूजा। पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, और मखाने की खीर का भोग जो हमारे ठाकुर जी हैं जरूर लगाएं, और तुलसी का पत्ता उन्हें जरूर अर्पित करें, और देसी घी का दिया जलाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला आप जरूर करें, नहीं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। व्रत की कथा करें, कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, कथा आप दिन ढलने से पहले भी कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित जरूर करें, जो शालिग्राम जी हैं उन्हें भी तुलसी दल जरूर अर्पित करें, बाल गोपाल को भी तुलसी दल जरूर दें। जो भी भोग लगाएंगे उसमें आपको जो तुलसी का पत्ता है वो जरूर डालें, तुलसी जी में देसी घी का दिया जलाएं। कहते हैं कि तुलसी जी में अगर देसी घी का दिया सुबह शाम दोनों वक्त लगाया जाता है, तो अगर जैसे आर्थिक स्थिति किसी की कमज़ोर है तो तुलसी जी में देसी घी का दोनों समय दिया लगाने से घर की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो
डेली लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एकादशी के दिन तुलसी जी में सुबह देसी घी का दिया जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप 11 परिक्रमा जरूर करें। सूर्य भगवान को आप जल जरूर दें पूजा करने के बाद। फिर उसके अंदर आप चाहो तो रोली डाल दें, या लाल चंदन है या लाल कलर का कोई फूल है तो वो डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर आपको जो दान देना है, फल का देना है, दूध का देना है, दक्षिणा सहित दान देना है। पूरा दिन आप, जैसे कुछ लोग तो बार बार खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग एक बार नमक खाते हैं, कुछ लोग दो बार खा लेते हैं, तो जो भी व्रत करें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। व्रत का संकल्प लेंगे तो भी अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे। तो संध्या होने से पहले जो भी भोजन आपने करना है, अन्न वाला नहीं होना चाहिए, आप अपना जो भोजन है कर लें। संध्या के समय भी तुलसी जी में दिया लगाएं और जो घर के मंदिर में आप जो भी पूजा आरती करेंगे पूरे विधि विधान से फिर से पूजा करें, और आप मंदिर में एक दो जो भजन है वो जरूर गाएं। हो सके तो रात्रि जागरण करें, अगर रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते तो रात के 12 बजे तक थोड़ा सा भजन कीर्तन आप जरूर करें। फिर बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो जी द्वादशी तिथि 14 तारीख की है, तो जो आपको व्रत का पारण करना होगा वो द्वादशी तिथि को ही करना होगा, 14 तारीख को ही करना होगा। तो 14 तारीख को आ जाएगी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का कुछ लोग व्रत करते हैं तो वो कहेंगे कि मैम हम व्रत का पारण कैसे करें। तो जी सुबह जल्दी उठे, पूरा जो पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आप ठाकुर जी को मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी चावल बनता, खिचड़ी तो बनती बनती है, खिचड़ी का भोग लगाएं, दान में दे दें। लेकिन अगर आपका व्रत है तो जो मंदिर में तुलसी और पानी रखा होता है तो पानी और तुलसी का पत्ता लेकर आप अपने का व्रत का पारण कर लेंगे। जो लोग मकर संक्रांति के दिन, जैसे मकर संक्रांति के दिन जब तक हम अन्न का दान नहीं देते हैं तब तक हम कुछ भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि खाते नहीं हैं, तो जी कोई बात नहीं, सुबह जो भी आपको भोजन बनाना है सबसे पहले दान दे दें, ठाकुर जी के भोग लगा दें। अगर व्रत रख रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसे करके आप व्रत का पारण कर लें। तो जी जो व्रत के पारण का समय है 14 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक होगा। तो इसी दौरान आप जो पूजा पाठ करनी है पूजा पाठ कर ले, ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो भोग लगा लें, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो ये था पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि। तो आपको व्रत कैसे करना है, पूजा विधि कैसे है, दान क्या देना है। तो जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो आप गर्म कपड़ों का दान दें, बारिशें होती हैं तो छाते का दान जरूर करें, लेकिन अन्न का दान महादान माना जाता है, अन्न का दान आप जरूर करें, तिल का दान भी आप जरूर करें। तो बस यही है जो एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है। सबसे बड़ी पूजा वही होती है कि आप जो भी व्रत कर रहे हैं उसमें आपका जो मन पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए, और हमेशा यही सोचना चाहिए कि दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। परोपकार का भाव आपके अंदर सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत या कोई भी उपवास करते हैं हम, तो अगर हमारे उसके उसको करते हुए अगर हमारे अपने अंदर बदलाव नहीं आता है तो व्रत करना बेकार है। व्रत होना चाहिए विकारों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, तो इन सब का आप व्रत करें और अपने अंदर थोड़ा सा परोपकार का भाव जरूर लेकर आए। तो ये है व्रत के नियम, सभी व्रतों के नियम यही होते हैं। तो एकादशी की जो पूजा विधि थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई कि आपको पूजा कैसे करनी है या मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो जितना मुझे समझ है, जितना मैंने अपने बड़ों से सीखा है, अपनी मम्मी से पूछा है, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।